आप शिकायत करने जाते थे तो सबसे पहले पुलिस आपकी जेब की तरफ देखती थी कि जेब में कुछ है, तभी डीजल भराया जाएगा। जेब में कुछ नहीं है तो नहीं डीजल भरेगा, ना पुलिस चलेगी आपके साथ। समाजवादियों ने 100 नंबर व्यवस्था दी, और व्यवस्था इसलिए दी थी जो गांव में हमारे गरीब हैं, किसान हैं, कहीं झगड़ा हो जाए, आपस परिवार में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, पर पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, पानी को लेकर के, कूड़े को लेकर के, जानवर को लेकर के, तमाम ऐसे मसले होते हैं गांव में जिसके कारण एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, थाने भागना पड़ता था, एक दूसरे की सिफारिश करके तब पुलिस सुनती थी। तो समाजवादियों ने व्यवस्था दी कि आप गांव में खड़े होकर के फोन मिलाइए और 15 मिनट तक होंगे जब पुलिस आपके पास पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। वो व्यवस्था उन्होंने चौपट कर दी, खत्म कर दी, नंबर बदल दिया। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि नंबर बदलने से उनका कमीशन भी बढ़ गया है, तो नंबर इन्होंने बदला, पुलिस ने भी अपना दाम बढ़ा लिया और व्यवस्था को पूरा तरीके से खत्म कर दिया। अभी मैं उन बेटियों से मिला था, जिन बेटियों को वहां काम मिला हुआ था सबसे पहले वही फोन उठाती थी, और उसमें हम लोगों ने बेटियों को और महिलाओं को इसलिए रखा था क्योंकि वो गुस्सा नहीं करती, कितना भी कोई दूसरी तरफ से फोन मिलाएगा तो महिलाएं और बेटियां कभी गाली नहीं देंगी, भाषा नहीं गलत इस्तेमाल करेंगी। इसलिए हम लोगों ने डायल हंड्रेड में महिलाओं और बेटियों को रखा था क्योंकि उनका इमोशन अलग होता है, वो आपसे नाराज नहीं होंगी अगर आप तकलीफ और परेशानी में है तो, और अगर पुरुष को रख देते तो अगर 2 बार आप कुछ दुख सुनाते तो उस तरह से आपको कुछ सुनने को मिल जाता। इसलिए और सोचिए आप, इसीलिए हम लोगों ने लड़कियों को रखा था, महिलाओं को रखा था, लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी छीन ली। पता नहीं कहां से कंपनी लाए हैं मुनाफा कमाने के लिए, उस कंपनी को उन्होंने काम दे दिया। उन बेटियों के साथ मैंने दिवाली मनाई क्योंकि वो धरने पे बैठी थी, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये योजना हम लोगों ने बनाई थी, पुलिस को अच्छी व्यवस्था दी थी, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं और जब कभी भी हमें सदन में बात उठाने का मौका मिलेगा हम सरकार के सामने खड़े होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जिन्होंने इतनी फोन उठाए हैं, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की मदद की है, इनके अगर 3,000 रुपए बढ़ाने हो तो ये 3,000 रुपए कोई ज्यादा रुपए नहीं होते हैं, हम उनसे कहेंगे 3,000 नहीं 6,000 भी जब कभी समाजवादियों का मौका मिलेगा तो हम बढ़ा करके उन्हें सम्मान देने का।